Dear students, today's topic is another important question, that is derive an expression for torque acting on a rectangular coil placed in a uniform magnetic field. उसका मतलब क्या हुआ वो समझाता हूं मैं पहले. ये इधर देख लीजिए, ये एक नॉर्थ पोल है. नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये एक साउथ पोल है. मैग्नेटिक फील्ड लाइनें चलती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब देखो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है. आप देख लीजिए, दिस इज रेक्टेंगुलर क्वाइल. रेक्टेंगुलर क्वाइल है ये. इस रेक्टेंगुलर क्वाइल में करंट चल रही है. इसकी लेंथ एल है, इसकी ब्रेड्थ बी है, जो मैं अभी दिखाता हूं. वो रखी गई है इस मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाया आप लोगों ने? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखने से. तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे नहीं रखूंगा मैं, ये रखूंगा टिल्ट ऐसे. अब रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखेंगे तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसे है ऐसे टिल्ट तो इसको ऐसे बनाते हैं. This is rectangular coil which is at certain angle. ऐसे बनाएंगे. अगर parallel होता प्लेन को तो ऐसे बनाना था. It is at certain angle. ये ऐसे है, perpendicular है to the plane. ऐसे. तो इसलिए इसकी शेप थोड़ी सी अलग हो जाएगी, देख लेना है आपको. बाकी क्वेश्चन इजी है. ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेकिन ऐसे रखेंगे. इधर देख लीजिए, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल जो हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे. अंडरस्टैंड कर दीजिए क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी. ये है पी क्यू आर और एस. इसकी लेंथ है एल और ब्रेड्थ है बी. ठीक है, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस. इसको रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड चलता है ऐसे. अगर यहां पर देखेंगे ऐसे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर यहां पर देखोगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर यहां पर देखोगे, इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर यहां पर देखोगे, इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. शाबाश. इधर देख लीजिए, ये थीटा बना रहा है, यहां पर भी थीटा बना रहा है. ये तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब सुनिए, देखो कैसे करना है क्वेश्चन. लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस हैविंग लेंथ एल एंड ब्रेड्थ बी विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज ए शोन इन फिगर. क्वेश्चन में आप लोगों को आएगा. कहते हैं अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया है, अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको टार्क आ जाता है. टार्क का मतलब है इसको टर्निंग इफेक्ट आ जाता है. अगर ऐसे है ये ऐसे हो जाएगी, अगर ऐसे है टिल्ट ये ऐसे ऐसे रोटेट करके ऐसे आएगी. इसका मतलब इसमें टर्निंग इफेक्ट आता है. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क. ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आ जाएगी, तो इस पर, इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर आएगा टॉर्क. उस टॉर्क के लिए हमें निकालना है एक्सप्रेशन. नोट करिए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक चीज याद रखना, जब एक करंट कैरियिंग कंडक्टर को, इससे पहले भी मैंने बताया, उससे पहले भी क्वेश्चन में बताया, व्हेन ए
current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, it experiences force. That force is given by ILB sin theta. बड़ी important relation है, ज़बानी याद रखने की ज़रूरत है. F is equal to ILB sin theta. तो ये equation जब vector form में लिखते थे, तो इसको लिखते थे हम IL cross B. ऐसे लिखते थे. तो ये आप लोगों को ज़बानी याद रखनी है, फिर जाके हम इस पर आएंगे. इस rectangular coil को करंट चल रही है फ्रॉम पी टू क्यू, देन फ्रॉम क्यू टू आर, देन फ्रॉम आर टू एस और फिर एस टू पी करंट चल रही है. सारी चीजें आप लोगों को पता है. लेंथ एल इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, आई इज करंट, बी इज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, कैपिटल बी इज मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड देता है. इस क्वेश्चन को हम चार स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. स्टेप फर्स्ट, इधर देख लीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड, इधर देखो. सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, इधर देख लीजिए, ये वाला साइड है पी क्यू, ये वाला साइड है क्यू आर, ये वाला साइड है क्यू एस और ये वाला साइड है एस पी. पी क्यू साइड मान लीजिए आपके साइड है, करंट नीचे चल रही है. फिल्म के लेफ्ट हैंड रूल देख लीजिए, ये है क्यू, ये है पी, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू साइड आपके साइड है, करंट नीचे, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस. पी क्यू साइड जो है आपके साइड है, आपकी तरह है. पी क्यू, पी क्यू में करंट चल रही है फ्रॉम पी टू क्यू, ये देती है करंट, ये वाली फिंगर देती है करंट, करंट नीचे की तरफ. ये देती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ. आप देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जाना चाहे इधर. थंब देखो, थंब की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ है. आप देख लीजिए थंब की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, क्योंकि ये वाला साइड पी क्यू है. इसलिए इस वाले पी क्यू वाले साइड पर फोर्स आएगा, वो फोर्स बाहर की तरफ होगा, दैट इज एफ वन वेक्टर. ठीक है, इस पर फोर्स आया इस वाले साइड, शाबाश. ये पी क्यू है, ये कौन सा साइड बन गया, क्यू आर. इधर देखो, क्यू से आर जा रही है करंट, करंट जा रही है क्यू से आर, करंट जा रही है क्यू से आर. इधर देखो क्यू आर, करंट जा रही है क्यू से आर, क्यू से आर. मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट जा रही है क्यू से आर. आप देख लीजिए करंट की डायरेक्शन, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से कर दीजिए, करंट जा रही है उधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ही जा रहा है. इधर देखो, ऐसे रखना, ऐसे बिल्कुल ऐसे रखना, करंट इधर की तरफ, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट अंदर की तरफ, थंब नीचे की तरफ. इस पर फोर्स आएगा नीचे की तरफ, हो गया एफ टू. इसी तरह इस वाले साइड पर फोर्स आएगा अंदर की तरफ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए, हो गया एफ थ्री वेक्टर. और इस वाले साइड पर आएगा ऊपर की तरफ एफ फोर वेक्टर. चारों साइडों पर आप लोगों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, और इस वाले साइड पर, इस वाले साइड पर, इस वाले और फोर्स की डायरेक्शन बताएं. ठीक है, अब देख लीजिए, पहले हम इस पर फोर्स करेंगे. फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर पी क्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर पी क्यू विच लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड, हो गया एफ वन वैक्टर इज इक्वल टू, शाबाश, आई. आई कौन सा साइड है, पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये कहां से लाया मैंने, इस फॉर्मूला से लाई, जो मैंने आई एल बी साइन थीटा वाले फॉर्मूला, शाबाश. एफ वन वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि साइड पी क्यू कितना है, एल. हो गया एफ वन, मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं, F1 इज इक्वल टू
आई एल डी साइन ऑफ फोर्स और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, हो गया एफ वन इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली स्टेप सेकंड में, शाबाश, स्टेप सेकंड बता दीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड क्यू आर किस के बराबर होगा, एफ टू वेक्टर आई, कौन सा साइड आएगा पी क्यू के बजाय, अब क्यू आर, क्यू आर वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, फॉर्मूला वही रहेगी, हो गया आई, क्यू आर कितना है स्मॉल बी ब्रेथ बी इंटू बी वेक्टर, शाबाश, हो गया एफ टू वेक्टर, एफ टू का मैग्नीट्यूड आई बी बी थीटा है, साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, नहीं सेकंड। स्टेप थर्ड, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, इस वाले साइड पर भी 90 डिग्री है, ये अंदर की तरफ है, तो F3 भी क्या आएगा, सिमिलरली, शाबाश, बोलो F3 भी आएगा आई एल बी, बिल्कुल ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। स्टेप फोर्थ, F4 क्या आएगा, F4 भी इतना ही आएगा आई बी बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। इधर सुनिए, ये वाले साइड और ये वाले साइड पर सेम फोर्स आएगा, और इस वाले साइड और इस वाले साइड पर सेम फोर्स आएगा। अब देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर अगर ये क्वाइल है, एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ F4 है, नीचे की तरफ F2 है, दो फोर्सेस, एक नीचे खींच रहा है एक ऊपर खींच रहा है, F4 और F2, या इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक एक फोर्स ऊपर खींच रहा है एक नीचे खींच रहा है, नीचे की तरफ एक फोर्स है एक ऊपर की तरफ, कॉइल मूव करेगी नहीं करेगी, दो फोर्सेस, इन दो फोर्सेस से मूव नहीं करेगी, किस किस से, F2 और F4, द टू फोर्सेस F2 एंड F4 आर एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक नीचे खींच रहा है एक ऊपर खींच रहा है, देयरफोर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसल हो जाएंगे, इसका मतलब F4 और F2 दे आर एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफोर दे कैंसल ईच अदर। अब बोलोगे सर दो फोर्सेस ये भी तो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन फर्क है, इधर देख लीजिए, एक एक इधर की तरफ खींच रहा है एक अंदर की तरफ खींच रहा है, जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रहा है एक फोर्स बाहर की तरफ, जब एक फोर्स अंदर की तरफ ऐसे खींचेगा एक फोर्स बाहर की तरफ ऐसे खींचेगा, ये इसको रोटेट करेंगे, F3 और F1 वाला फोर्स जो है इस कॉइल को रोटेट करेंगे, क्योंकि F3 इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, F1 बाहर की तरफ, F3 अंदर की तरफ, इधर देख लीजिए अंदर की तरफ फोर्स जा रहा, ये इसको अंदर की तरफ लेगा, ये वाला फोर्स जो बाहर है F1 ये बाहर की तरफ है, इसको ऐसे करेगा टिल्ट, इसको घुमाना शुरू कर देगा, रोटेट करेगा, देयरफोर दीज टू फोर्सेस F1 एंड F3 व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड, F1 और F3 का सेम मैग्नीट्यूड है, दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये डिफरेंट पॉइंट्स पर है, देयरफोर दे कॉन्स्टिट्यूट कपल, ये बनाते हैं कपल, कौन से दो फोर्सेस, F1 और F3, दीज टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए कपल हूज टॉर्क इज गिवन बाय, जब कपल बनाते हैं तो टॉर्क कितना होगा, शाबाश, पता है सबको, टॉर्क होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ये टॉर्क है, टॉर्क किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ कौन कौन सा फोर्स, F1 और F3 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है वो मैं निकाल के देता हूं, बताओ टॉर्क क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और F2, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, एक जैसी बात है जो हमने अभी निकाला, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मैं वो यहां पर बताता हूं। इधर सुनिए, F3 वाला फोर्स ये ले लीजिए, ये हो गया F3, ठीक है, ये हो गया F, ये हो गया F1 फोर्स, दो फोर्सेस हैं F3 और F1, ये इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये है QR, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी QR, और ये है B, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो फोर्सेस के बीच में, इन F3 और F, यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे ऐसे, इसको T रखेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको T रखेंगे। इधर देख लीजिए, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा, इट इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है, शाबाश। जरा मुझे बता दीजिए, 90 डिग्री, तो ये B है, इसमें मुझे बताओ कॉस थीटा किसके बराबर, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, आर टी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर टी निकाल के रखूंगा मैं, आर टी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यू आर नहीं है। अच्छा मुझे बता दीजिए, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, शाबाश। जरा बता दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है टी आर, बेस है टी आर, हाइपोटेन्यूस है क्यू आर, टी आर कितना है वो निकालना है, क्यू आर कितना है बी, टी आर किसके बराबर आया, बी कॉस थीटा, शाबाश। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज टी आर। अच्छा टाउ किसके बराबर आएगा बता दीजिए, शाबाश, टाउ किसके बराबर आएगा, अब इसकी जरूरत नहीं है, टाउ किसके बराबर आएगा, टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन आर एफ, एफ वन इज इक्वल टू एफ थ्री इज इक्वल टू आई एल बी, ये हमने निकाल के रखा है, दोनों फोर्सेस हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में कितना आया, आई एल बी हो गया, एक का फोर्स लेना है आई एल बी, दो में से एक, मल्टीप्लाई टी आर, टी आर कितना निकाला अभी, आई एल बी मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, टाउ इज इक्वल टू आई एल और बी को मिला दीजिए, एल इंटू बी, बी कॉस थीटा, ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू आई एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, बी कॉस थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने अभी तक सिंगल टर्न ली थी, अगर हम इसमें एन टर्न लेंगे, कितनी टर्न, एन, इफ द रेक्टेंगुलर कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न, देन टाउ इज इक्वल टू एन I, if n is the number of turns, then torque is given by n I a b cos theta. This is required expression for torque
acting on a rectangular coil placed in a uniform magnetic field. ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थैंक यू.